हेलो अवी वन वेलकम टू माई चैनल कोर्ट सोरी विद माइक तो आज हम अपने डी पी कंसेप्ट एंड क्वेश्चन के प्ले का वीडियो नंबर सिक्स करने जा रहे हैं ओके स्टार्ट करने से पहले कुछ भाषण यानी कि मोटिवेशन देखो एवरी वन फेस फेलियर्स एवरी वन फेस रिजेक्शन एवरी वन इज डिमोटिवेटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ ठीक है रिमेंबर ओनली दोज हैव वन हु स्टूड अप एंड केप्ट मूविंग ठीक है इसलिए रुकना नहीं है वी हैव टू कीप मूविंग नेवर एवर एवर गिव अप ठीक है नेवर एवर स्टॉप एंड कीप मूविंग ओके आपको याद होगा कि हमने इसमें वनडी बेस डी पी स्टार्ट किया था अभी ओके और वनडी बेस डी पी में हमने फिवनाक्षी नंबर कर लिया है क्लाइंबिंग स्टेयर्स कर लिया है हाउस रॉबर वन कर लिया था आज हाउस रबर हम टू करने जा रहे हैं ठीक है और मैंने गेठा डिपॉजिटरी के बारे में आपको बताया था यू कैन रेफर दैट फॉर नोट्स उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं वीडियो का लिंक भी दे रखा है ओके अब स्टार्ट करने से पहले यार हाउस रॉबर वन इसी प्ले में आपको दिख जाएगा जाकर उसको सबसे पहले देख लो तभी हाउस रॉबर टू मरा टू पर आओ ये आपका प्री रिक्वेस्टेड है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो प्लीज़ प्लीज़ पहले जाकर इसको वॉच कर लो उसके बाद यहाँ पर आओ ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं हाउस रॉबर टू लीड कोड नंबर 213 मीडियम लेवल का क्वेश्चन है बट इट इज़ वेरी इजी अगर आपने हाउस रॉबर वन बनाया है तो ये जस्ट उसका कॉपी पेस्ट है उसका कोड को जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन समझते हैं इसका तो देखो हाउस रॉबर टू बिल्कुल हाउस रॉबर वन की तरह ही है इसमें बस एक डिफरेंस है वो अभी पढ़ के बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा इसमें भी वही है कि एक चोर है एंड ही वॉन्ट ही इज़ प्लानिंग टू रॉब सम हाउसेस हर हाउस में कुछ अमाउंट ऑफ मनी रखा हुआ है वो उसको चुराना है ओके ऑल हाउसेज एट दिस प्लेस आर अरेंज इन अ सर्कल यही डिफरेंट है हाउस नंबर टू में ठीक है डैट मीन द फर्स्ट हाउस इज़ द नेबर ऑफ द लास्ट वन ठीक है यानी कि अगर मान लेते हैं आपका घर जो दे रखा है ज़ीरो वन टू थ्री ये आपका घर दे रखा है तो हाउस नंबर वन में क्या था कि ये घर यहाँ पर है ये घर यहाँ है यहाँ है यहाँ है दैट्स इट इसमें क्या है हाउस नंबर टू में कि जो ज़ीरो का नेबर वन है हाउस नंबर वन में क्या था कि ज़ीरो का नेबर वन है वन का नेबर टू है टू का नेबर थ्री है हाउस नंबर टू में पता है क्या दे रखा है कि ज़ीरो का नेबर वन तो है ही वन का नेबर टू तो है ही टू का नेबर थ्री तो है ही बट थ्री का नेबर वापस जीरो भी है ठीक है इसका मतलब पता क्या हुआ कि अगर आप ज़ीरो पर चोरी करते हो तो आप थ्री पर चोरी नहीं कर सकते यानी कि ज़ीरो का एडजेसेंट वन तो है ही बट ज़ीरो का एडजेसेंट थ्री भी है ठीक है सिमिलरली थ्री का एडजेसेंट हाउस टू तो है ही बट थ्री का एडजेसेंट हाउस ज़ीरो तो भी है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ज़ीरो पर चोरी करते हो तो आप थ्री पर चोरी नहीं कर सकते ठीक है या फिर ऐसा सोच लो कि अगर आप थ्री पे चोरी कर रहे हो इसका मतलब आपने ज़ीरो पे चोरी नहीं किया होगा तभी आप कर सकते हो ठीक है ये तो क्लियर हो गया चलो अब आगे बढ़ते हैं बाकी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है यहाँ पर दे रखा है दैट मींस इफ द फर्स्ट हाउस इज द नेबर ऑफ़ द लास्ट वन मीन वाइल एडजस्टेंस हाउस है सिक्योरिटी सिस्टम कनेक्टेड एंड इट विल ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट द पुलिस इफ़ टू एडजस्टेंस हाउसेज वेयर ब्रोकन वही चीज़ है सेम हाउस रॉबर वन वाला है कि अगर दो एडजस्टन हाउस में आप लगातार चोरी करते हो तो एक अलार्म सिस्टम बच जाएगा और आप पकड़े जाओगे ठीक है आपको इंटीजर अरे नम्ब दे रखा है मैं एग्जाम्पल लेता हूँ वन टू थ्री वन ओके okay? इंडेक्सिंग कर देता हूँ ज़ीरो वन टू थ्री अमाउंट ऑफ मनी दे रखा है हर घर में रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी यू कैन रॉप टू नाइट विदाउट अलर्टिंग द पुलिस तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है बस इस बार एक चीज़ के अधीन ध्यान देना है कि भाई अगर वन पर चोरी करते हो तो वन का एडजस्टेंट क्या है टू यहाँ नहीं कर सकते एक और चीज़ दे दिया है कि टू का एडजस्टेंट ये भी है वन भी है ये वाला इस पर भी चोरी नहीं कर सकते तो देखा जाए तो ये एकदम हाउस रबर वन का ही तो है ना क्वेश्चन तो एकदम हाउस रबर वन जैसा है बस क्या करेंगे ना हम दो कंडीशन दो चीज़ ट्राई कर लेंगे पहला कि मैं ज़ीरो हाउस पर चोरी कर रहा हूँ तो मेरे लिए अरे कौन सा हो जाएगा वन टू और थ्री दैट्स इट है ना ये मेरा केस वन हो गया केस वन में मैंने क्या बोला कि मैं जीरो हाउस को तो चोरी करूंगा तो जीरो हाउस को अगर चोरी करूंगा तो ऑब्वियस मैं लास्ट हाउस में चोरी नहीं कर सकता क्योंकि वो दोनों कनेक्टेड है सर्कुलर वे में सारे हाउस अरेंज किए गए हैं ठीक है थीके? तो मेरे लिए क्या क्या वैलिड इंडेक्स होगा ज़ीरो को मैं चोरी करूँगा और तो थर्ड वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया इसीलिए मैंने देखो जीरो वन और टू इंडेक्स तक का लिया है ये तो क्लियर हो गया होगा ठीक है तो देखा जाए तो केस वन के लिए मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है ज़ीरो और एंडिंग इंडेक्स क्या है देखो तो टू ले रहा हूँ है ना यानी कि एन माइनस टू यहाँ तक क्लियर है और दूसरा क्या है भाई कि केस टू केस टू में क्या है कि मैंने जीरो हाउस को नहीं लिया है अगर ज़ीरो हाउस को नहीं लिया है तो मतलब ये थर्ड हाउस को लिया जा सकता है है ना चांसेस है तो मैं किस पे एक्सप्लोर करूँगा टू थ्री और वन पर एक्सप्लोर करूँगा इंडेक्स नंबर क्या है वन टू थ्री ठीक है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा मेरे लिए वन होगा और लास्ट इंडेक्स क्या होगा एन माइनस वन वन क्यों है स्टार्टिंग इंडेक्स क्योंकि मैं जीरो था उसको नहीं ले रहा हूँ है ना अब इसके बाद देखो अब ध्यान दो सबसे इम्पोर्टेंट यार इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो दोनों हाउस रॉबर वन नहीं दिख रहा आपको हाउस रॉबर वन ही तो दिख रहा है हाउस रॉबर टू में क्या था कि सर्कुलर है कि अगर आप जीरो को चुनोगे तो थर्ड नहीं चुन सकते है ना तो वो तो मैंने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया कि यहाँ पर है ना जीरो को चुनोगे तो देख रहा यहाँ थर्ड नहीं चुन रहा हूँ या तो जीरो को अगर नहीं चुनोगे तो थर्ड को चुन रहा हूँ यहाँ पर है ना तो वो चीज़ तो मैं टेक केयर कर ही रहा हूँ उसको टेक केयर करने के बाद दो केस बन रहे हैं मेरे पास केस नंबर वन केस नंबर टू ओके तो केस नंबर वन और टू को ध्यान से देखो देखा है तो ये हाउस रॉबर वन का क्वेश्चन है तो बस हमें कुछ नहीं करना है मैं एक हाउस रॉबर वन का कोड जो है ना मैं हाउस रॉबर वन का जो कोड है वो कॉपी पेस्ट करूँगा एक बार क्या बोलूँगा कि ज़ीरो इंडेक्स से लेकर टू इंडेक्स तक का निकाल के दिखाओ आंसर ठीक है और फिर एक बार बोलूंगा एक बार इसका आंसर निकाल के दिखाओ फिर एक बार बोलूँगा वन इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक का आंसर निकाल के दिखाओ हाउस रॉबर वन वाला ठीक है दोनों का जो मैक्सिमम होगा वही मेरा आंसर होगा दैट्स इट है ना कुछ फैंसी नहीं था इसमें राइट हमने हाउस रॉबर टू को हाउस रॉबर वन में कन्वर्ट कर दिया ओके तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाउस रबर वन देख कर आ जाओ ठीक है तो हाउस रबर टू विल बी वेरी ईजी ठीक है कुछ नहीं किया हमने हमने बस हाउस रबर वन वाला ही कोड चिपकाना है इसमें भी बस हमने दिमाग क्या लगाया कि क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर आप जीरो हाउस को चोरी करते हो तो आप थर्ड हाउस आपके आप कर ही नहीं सकते राइट क्योंकि सर्कुलर वे में कनेक्टेड है एडजेसेंट है ये इसका ठीक है हाँ अब जीरो था उसको मान लेते हैं चुनते हो तो अब वैसे बात है टू को तो वैसे भी नहीं चुनोगे क्योंकि वो एडजेस्टेंट है लेकिन थर्ड को भी नहीं चुन सकते क्योंकि थर्ड भी एडजेस्टेंट है जीरो का अब यहाँ तक क्लियर हो गया जीरो था उसको चुनोगे तो फर्स्ट इंडेक्स को नहीं चुन सकते और थर्ड को भी नहीं चुन सकते वही मैंने यहाँ पर लिखा है ठीक है अब यहाँ पर अब देखो ध्यान दो फिर यहाँ पर वही हाउस रबर वन वाला कर लो याद करो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर जीरो इस पे आई है मेरा यहाँ पर और यहाँ पर इस पे आई है ठीक है यहाँ पर भी मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है कि भाई मैं ज़ीरोथ वाले घर को लूँ या ना लूँ अगर लेता हूँ तो कितना रुपीज़ मिलेगा वन रुपीज़ नहीं लेता हूँ तो ज़ीरो रुपीज़ ठीक है हमारा वन कामा टू कामा थ्री है वन कामा टू कामा थ्री है और अगर इस केस में देखो अगर मैंने ले लिया जीरोथ हाउस वाला तो ऑबेसी बात है आई इसको मैं नहीं ले सकता ना फिर एडजेसेंट है आई यहाँ पर आ जाएगा और अगर नहीं लिया ठीक है इसको मैंने नहीं लिया तो इसको ले सकता हूँ आई यहाँ पर आ जाएगा एंड सो ऑन जस्ट हाउस रबर वन वाला ट्री बनेगा बिल्कुल सिमिलर ठीक है यहाँ पर भी बिल्कुल सेम होने वाला है यहाँ पर भी दो ऑप्शन है कि मैंने इस आई घर को लिया तो दो रुपीज़ मिलेंगे नहीं लिया तो ज़ीरो रुपीज़ मिलेंगे अगर ले लिया तो टू थ्री वन तो मैं इसको नहीं ले सकता राइट एडजेसेंट घर को नहीं ले सकता तो आई यहाँ पर आ जाएगा ठीक है और अगर इसको नहीं लिया तो टू कोमा थ्री कोमा वन है नहीं लिया तो टू गया और आई इसको ले सकता है एडजेसेंट वाले को ठीक है ये चीज़ तो बहुत ईजिली बन गया तो यानी कि अब हमें कुछ नहीं करना है हाउस रॉबर वन का एक अलग से फंक्शन लिख दूंगा एक बार बोलूँगा कि भाई ज़ीरो वाले को लेना है तो एन माइनस टू तक का निकाल के दिखाओ हाउस रॉबर वन से ठीक है या तो फिर बोलेंगे यार वन वाला ज़ीरो वाला नहीं लेना है वन से लेंगे तो एन माइनस वन वाला घर तक ले सकते हैं है ना इसका भी हाउस रबर वन से आंसर निकाल के दिखाओ दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही मेरा रिजल्ट होगा तो देखा जाए तो हाउस रबर वन का कोड तो बहुत सिमिलर है मतलब वही है कॉपी पेस्ट करना है तो मैं हाउस रबर वन वाला कोड जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगा और बस अलग अलग इंडेक्स भेज के दोनों से आंसर निकाल लूँगा ठीक है तो अभी इस वीडियो में मैं रिकर्शन प्लस मेमोइजेशन कराऊंगा इसके बाद एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें मैं क्या क्या कराऊँगा बॉटम अप बॉटम अप तो आप भी ट्राई कर सकते हो अब हाउस रॉबर वन का ही तो बॉटम अप लिखना है आपको बस इंडेक्स अलग अलग भेज देना ठीक है उसके बाद पता एक अलग से एक और वीडियो आएगी जिसमें पता है मैं क्या बताऊंगा? कि हाउस रॉबर वन को कांस्टेंट स्पेस से भी बना जा, बनाया जा सकता है हाउस रॉबर को जो बॉटम अप मैंने बताया था उसको आप कांस्टेंट स्पेस में भी बना सकते हो और मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों कांस्टेंट स्पेस से बन पा रहा है उसमें ठीक है सिमिलरली सिंस हाउस रॉबर वन अगर कॉन्स्टेंट स्पेस से बन सकता है हाउस रबर टू भी कॉन्स्टेंट स्पेस से बन जाएगा क्योंकि हाउस रबर टू में हम क्या ही कर रहे हैं भाई हाउस रबर वन का ही तो कोड यूज कर रहे हैं ठीक है तो हाउस रॉबर टू को भी हम कॉन्स्टेंट स्पेस से बनाएंगे ठीक है तो अलग वीडियो आएगी उसकी है ना बॉटम अप की अलग वीडियो आएगी और इसकी भी एक अलग वीडियो आएगी बट आज के वीडियो में हम रिकर्शन और मेमोइजेशन को अच्छे से करते हैं ठीक है तो चलो जो भी चीज़ें समझाई थी हाउस रंबर वन में बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है क्योंकि मैं हाउस रंबर वन का ही कोड यहाँ चिपकाने वाला हूँ ठीक है तो रिकर्शन और मेमोराइजेशन से सॉल्व करके देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस तो चलो इसका कोड करते हैं तो चलो इसका कोड करते हैं रिकर्शन और मेमोराइजेशन से तो देखो जस्ट टू लेट यू नो कि ये हाउस रंबर वन का कोड हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं ठीक है मैं क्या करता हूँ गिटहब मजर माइक लिखोगे तो वहाँ से मैं अपने गिठअप रेपो से हाउस रॉबर वन का कोड कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ ठीक है आप कॉपी पेस्ट मत करना आप खुद से लिखना मैं बस आपको ये बताने के लिए कि सेम कोड यूज़ कर रहा हूँ ठीक है दैट्स वाई एम जस्ट कॉपिंग पेस्टिंग टी वाले रेपो में गए वन डी टी पी में गए यहाँ पर हाउस रॉबर पर गए यहाँ पर देखो अप्रोच वन क्या है रिकर्शन एंड मेमोइजेशन ठीक है देखो मैं क्या कर रहा हूँ जो इसका जो सॉल्व वाला फंक्शन है या तो पूरा ही उठा लेता हूँ है ना इतना उठा लेता हूँ मेमोइजेशन वाला पार्ट भी उठा लेता हूँ ठीक है तो देखो मैंने क्या किया बस हाउस रॉबर वन का कॉपी पेस्ट कर लिया कोड ठीक है यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स आई से कर रहे थे और एंडिंग इंडेक्स एन है ओके तो अब हम मैंने क्या बोला था कि भाई पहले तो इसका ये निकाल लो int n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज़ ठीक है ये हाउस रॉबर टू काम कर रहे हैं ये तो आपको पता ही है कि अगर n इज ईक्ल टू इजल टू वन है मतलब एक ही घर है तो बस वहाँ से चोरी करके निकल जाओ या फिर n अगर इजिक्वल टू 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 है तो भाई दोनों में से जो मैक्सिमम है वही निकाल के उसी से चोरी करके निकल जाओ नर्म्स ऑफ वन ठीक है अब मेम सेट कर लेते हैं टी माइनस वन साइज ऑफ़ टी क्यों क्योंकि मेमोइजेशन करना है यहाँ पर टी हमने डिफाइन कर दिया था ठीक है देख लो यही वाला पार्ट क्या है ये हाउस रबर वन का कॉपी पेस्ट है दैट सेट इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ ठीक है अब याद करो मैंने क्या बोला था कि दो केस बन सकते हैं केस वन क्या है कि भाई टेक फर्स्ट हाउस है ना यानी कि जीरोथ इंडेक्स वाला हाउस अगर लोगे तो क्या रिजल्ट आएगा एंड टेक जीरोथ हाउस ठीक है तो सॉल्व ठीक है नम्स जीरोथ हाउस ले रहे हैं तो जीरो भेजना पड़ेगा और सिंस जीरोथ हाउस ले रहे हैं तो एन माइनस वन वाला हाउस नहीं ले पाएंगे राइट तो एन माइनस टू वाला हाउस तक जा सकते हैं राइट फिर क्या करेंगे फिर से मेम सेट कर देंगे क्योंकि ऑब्वियस से बात है दो बार हाउस रॉबर वन कॉल करना है ठीक है तो हाउस रबर वन फिर से कॉल करते हैं इस बार क्या बोल रहा हूँ कि टेक फर्स्ट इंडेक्स हाउस है ना यहाँ पर क्या था जीरो इंडेक्स हाउस ओके इसका क्या आएगा रिजल्ट नम्स भेज रहे हैं कौन से इंडेक्स से ले रहे हैं फर्स्ट इंडेक्स से और सिंस फर्स्ट इंडेक्स से ले रहे हैं तो आइन माइनस वन वाला हाउस में चोरी कर सकते हैं राइट रिटर्न मैक्सिमम ऑफ जीरो को लेने पर केस वन का या तो केस टू का ठीक है यहाँ पर यहाँ फर्स्ट होगा फर्स्ट इंडेक्स हाउस ये मेरा क्या था भाई केस टू था राइट केस टू में क्या था कि भाई हम क्या करेंगे टेक फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस है ना यानी कि फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स वाला हाउस ठीक है और यहाँ पर इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा जीरो इंडेक्स से अगर मान लेते हैं घर लिया या फिर फर्स्ट इंडेक्स से अगर घर लिया तो दोनों में से जो मैक्स आएगा वो मेरा रिजल्ट होगा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर देखो क्या लिखा था हमने ये मेरा हाउस डॉबर वन का कोड है तो याद है हम क्या भेजते थे ज़ीरो तो इंडेक्स से स्टार्ट होगा और ये एन मतलब साइज़ भेजते थे ना इंडेक्स नहीं था ये ये एन मेरा साइज़ है यहाँ पर ठीक है बट याद करो यहाँ पर हमने इंडेक्स भेज दिया है जीरो से एन माइनस टू तक का घर वन से एन माइनस वन तक का घर ठीक है तो यहाँ इक्वल टू में रिटर्न ज़ीरो नहीं करेगा ना क्योंकि वो ये देख रहे होन माइनस टू क्या है मेरा इंडेक्स है ना एन एन माइनस टू एक वैलिड इंडेक्स है और यहाँ पर एन माइनस वन भी एक वैलिड इंडेक्स है ठीक है तो यहाँ पर इक्वल टू एन पे हम नहीं रिटर्न कर सकते ना पहले वाले केस वन के लिए यहाँ पर क्या आएगा एन की वैल्यू ये एन माइनस टू आएगा जो कि एक वैलिड इंडेक्स है और केस टू के लिए एन माइनस वन की वैल्यू यहाँ पर असाइन होगी जो कि एक वैलिड इंडेक्स है तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे अगर उसके ग्रेटर हो गया तब रिटर्न ज़ीरो करेंगे तब हमारे लिए आउट ऑफ बाउंड होगा वो यहाँ तक क्लियर है इसका ड्राई रन जरूर से कर लेना जस्ट हाउस डॉबर वन का ही कोड है ठीक है सारे एग्जाम्पल टेसिस देख लेते हैं कि पास हो रहे कि नहीं उसके बाद सबमिट करके देखते हैं लेट्स एबल टू पास ऑल द डेस्ट केसेस इन डी डी यस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग रिकर्शन एंड मेमोइजेशन नेक्स्ट वीडियो इस पर आएगी वेरी सून जिसमें हम इसको बॉटम अप से भी बनाएंगे और उसके बाद भी एक वीडियो आएगी जिसमें हम हाउस रबर वन और हाउस डबर टू दोनों को बॉटम अप तो करेंगे बट कॉन्स्टेंट स्पेस से बनाएंगे उसको ठीक है तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प कोई भी डाउट होती रे है रेज इन द कॉमेंट सेक्शन अल ट्राई टू हेल्प यू आउट सी यू गैज इन न नेक्स्ट वीडियो थैंक यू